हम तो वेट कर रहे हैं। क्या हो गया था भैया? स्पून तो नहीं है दे रहे। ये टमाटर है और यही सब्जी में पड़ने वाला है। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गाइस आज हम बैठे हुए मम्मी जी के पास, और गाइस फिलहाल तो आज सुबह से ब्लॉगिंग नहीं हो पाई क्योंकि आज थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा हो गई थी इस कारण से। और गाइस अभी शाम को स्टार्ट कर रहा हूँ और फिलहाल मम्मी बैठी हुई हमारे सामने ही। तो मम्मी जी क्या हो रहा? मम्मी जी कर रही हैं सब्जी की तैयारी। और आज काहे की सब्जी बन रही है? आलू और परवल, प्याज है, आलू है, परवल है। तो वैसे आज निमंत्रण भी ना है, क्या हो गया? ये इतने ये धनिया पत्ती खराब हो गई पन्नी से नहीं निकालने की वजह से है। सो गाइस इस समय तो टमाटर के भाव बहुत ज़्यादा रेट भाव बढ़ रहे हैं भाई, मतलब 100, अब 100 से सुनने में आ रहा 150 भी हो रहे हैं टमाटर। तो भाई भाव तो टमाटर के बहुत बढ़ रहे हैं। तो एक आपको टमाटर हम दिखाते हैं। एक तो पेड़ में हमारे इतना बड़ा टमाटर लग, ये देखिए ये टमाटर है और यही सब्जी में पड़ने वाला है। तो आज की हमारी जो टमाटर की सब्जी, मतलब टमाटर परवल के साथ सब्जी टमाटर पड़ेगा ना, तो ये वाला टमाटर रहेगा, छोटू सा टमाटर। तो क्या करें, अब यही टमाटर ही बचा है। 160 रुपये खरीद नहीं सकते ना भाई, अभी टमाटर खाना बंद कर देंगे। अब कल बस लाए थे, अब बंद। तो यही टमाटर से आज काम चलवाना पड़ेगा। आज ये फाइनल आखिरी टमाटर था क्योंकि मेरे पेड़ में टमाटर का पेड़ लगा हुआ, इतना छोटा सा ये टमाटर लगा हुआ है। तो एक यही दिखा तो मैंने कहा इसी को डाल दीजिए सब्जी में। सो भाई चलिए ठीक है, मम्मी की सब्जी वगैरह बन रही है। और हाँ आज शाम को मेरे कहीं जाने का भी प्लान है, तो चलते हैं फिर, देखते हैं कहाँ जाते हैं। कहाँ जाएंगे आप? गुरु जी तो अच्छा, इस बार मम्मी जी के गुरु भी एक्सपायर हो चुके हैं। और इस बार नहीं, पिछली बार तो गए थे गुरु पूर्णिमा में, लक्ष्मण बाग में हैं गुरु जी। तो मैंने पिछली बार भी दिखाया भी था आप लोगों को, इस बार जो है तो नहीं रहे बिचारे। एज भी हो गई थी, बहुत ज़्यादा एज हो गई थी उनकी, इसलिए अब इस बार तो नहीं। ये देखिए पिछले साल की कुछ फोटोज़ हैं, मम्मी के साथ है, गुरु जी हैं, ये हैं। तो चलिए ठीक है गाइस, फिर चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, फिर आपको दिखाते हैं आगे का सीन। तो इसमें सब्जी बनना है कढ़ाही में। दूध पक गया, तो ये इंडक्शन है और इंडक्शन में ही अपना खाना पीना बनेगा। रोटियां तो गैस में बनती हैं क्योंकि इसमें बनने वाला सिस्टम नहीं, नहीं तो इसमें ही बन जाती, और सब्जी वगैरह तो इसी में बनेगी। सो गाइज हम और पांडे जी आए हुए हैं आज होटल में, और ये बैठे हुए हैं पांडे जी। तो स्पेशल ऑर्डर हो चुका है मसाला डोसा का, तो चलिए मसाला डोसा का आनंद लेते हैं, उसके बाद फिर खाना वगैरह अगर भूख रहेगी तो खाएंगे। भूल दो ऑर्डर कुछ होता नहीं सकता, अच्छी इंसान सीधा। और गाइज ये है होटल कुछ इस तरह का, बहुत ही बढ़िया है। तो आज हम और पांडे जी ने प्लान किया था कि क्यों ना बाहर से ही खा के आते हैं आज कुछ। अच्छा ये यहाँ आए हो क्या तुम कभी? मुझे ऐसा कहीं लग रहा कि होटल बचा है जाना है। ये वक्त का हम लोग ये जब टूर में गए इतने बड़े बड़े होटल, फाइव स्टार होटल, ये तो कहाँ टू, कौन से टू? हाँ तो गाइस ये आ गया हम लोग मसाला डोसा, चलिए एंजॉय करते हैं अपन। तो दे रहे हैं स्पून, दे रहे हैं।